डैडीज़, वेलकम टू माय चैनल मम एंड डैड। सो आज का जो टॉपिक है वो हम मॉमीज़ के लिए बहुत ही चिंता का टॉपिक है, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी हम अपना वेट इतना ज़्यादा गेन कर लेते हैं, हम सबका वेट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है और हम बेबी में भी इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम अपने ऊपर केयर नहीं कर पाते। बट हमें वेट भी लॉस करना होता है तो हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। तो मैं आपको इस वीडियो में ऐसे तीन सीक्रेट्स बताऊंगी, तीन चीज़ें बताऊंगी जिसको करने से आपका वेट 100% लूज़ होगा। आप अपना वेट अगर इसे अच्छे से करते हैं, डेडिकेशन के साथ, मतलब बिना चीट किए करते हैं, तो 100% आपका वेट 3 वीक में 1 kg लूज़ होगा। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने ये ट्राई किया था आफ्टर 3 मंथ डिलीवरी के, 3 महीने बाद। और डिलीवरी के टाइम पे मेरा जो वेट था जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मेरा वेट 83 था, जब मेरा बेबी डिलीवर्ड हुआ तो 79 हुआ, और अभी मेरा वेट जो है 63 है। तो मैंने इतना वेट लूज़ किया है आफ्टर 3 मंथ, मैंने ये जो 3 चीज़ें हैं वो मैंने शुरू कर दी थी अपने डेली रूटीन में, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे बेबी, जब बेबी हो जाता है तो हमें इतना टाइम ही नहीं मिलता कि हम अपने लिए कुछ कर पाएँ या कुछ बना पाएँ या एक्सरसाइज के लिए जा पाएँ, योगा के लिए जा पाएँ या कुछ भी कर पाएँ अपने वेट को लूज़ करने के लिए। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपनी डाइट में, अपने रूटीन में ये डालिए तो आपको 100% फ़र्क मिलेगा। तो सबसे पहले अगर आप मॉर्निंग में जब आप उठोगे तो आप अपना जो दिन है वो एक हेल्दी ड्रिंक से स्टार्ट करना है। क्या करना है, आपको गरम पानी लेना है, गरम पानी लेना है और उसमें ये चिया सीड्स, जो चिया सीड्स आपको मार्केट में ईज़िली मिल जाएंगी, ये चिया सीड्स डालनी है। और 1 मिनट बाद जब ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए फिर उसमें लेमन डालना है, आधा लेमन स्क्वीज करना है, आधे नींबू का रस डालना है और उसको आपको गुनगुना पीना है। ऐसा करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क मिलेगा। नींबू के फ़ायदे हम जानते ही हैं कितने ज़्यादा होते हैं, ये चिया सीड्स डालने से वो और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाता है, क्योंकि ये चिया सीड्स में इतना ज़्यादा फाइबर होता है जो आपके ओवरऑल बॉडी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, आपकी स्किन को टाइट करता है, आपके बॉडी में फाइबर इनटेक बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है तो वो भी इससे बहुत हेल्प मिलती है। आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं कि चिया सीड्स में क्या क्या फ़ायदे होते हैं, और वेट लॉस में तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़र्क करता है। तो सबसे पहले आपको अपने दिन की शुरुआत इस हेल्दी ड्रिंक के साथ करनी है, लेमन, गुनगुने पानी और ये चिया सीड्स के साथ। कुछ चिया सीड्स आती हैं जिन्हें रात में हमें भिगो कर रखना पड़ता है, तो आप वो वाली भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये वाली भी यूज़ कर सकते हैं जो सॉफ्ट होती हैं थोड़ी सी, वो आपके ऊपर है आप कौन सी चिया सीड्स लेते हैं। तो आपको चिया सीड्स के साथ अपनी दिन की शुरुआत करनी है, फिर आप जो भी ब्रेकफास्ट या जो भी कर लेते हो आप वो लो। दूसरा आपको ये है ग्रीन टी, ये ऑर्गेनिक इंडिया की ग्रीन टी है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, साथ ही इसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे हैं। अगर आपको टी का एडिक्शन है तो आप अपनी टी को इससे रिप्लेस कर सकते हो। करना क्या है आपको, जैसे आपने मॉर्निंग में ये ड्रिंक ली, उसके बाद आपने अपना ब्रेकफास्ट लिया, अगर ब्रेकफास्ट में आपको बहुत ज़्यादा आदत है चाय लेने की तो आप उसमें ले लो। फिर आपको ये ग्रीन टी दिन में 2 बार लेनी है। कैसे लेनी है, आपको लंच से पहले या लंच के बाद लेनी है ग्रीन टी, और एक आपको बिफोर बेड लेनी है आफ्टर डिनर। मतलब अगर आप अपना डिनर 2-3 घंटे पहले ले लेते हो, उसके बाद 1 घंटे बाद आपको ये ग्रीन टी लेनी है। सोने से थोड़ा सा पहले लीजिए, क्योंकि हो सकता है अगर इसको पीने के बाद आपको नींद ना आए तो आप थोड़ा 1-1.5 घंटे पहले लीजिए ग्रीन टी, तो आपको इसके रिज़ल्ट और अच्छे मिलेंगे और आपको नींद में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ग्रीन टी तो हम जानते हैं वैसे ही इसमें इतने ज़्यादा टॉक्सिन्स निकल जाते हैं हमारी बॉडी से, तो ऐसे ही वेट लूज़ हो जाता है। तो ये ग्रीन टी आप दिन में 2 बार आपको लेनी है,
टाइम मैंने आपको बता दिया है कि आप बिफोर या आफ्टर लंच ले सकते हो हाफ एन आवर, और अच्छा होगा आफ्टर लंच लो, और बिफोर आफ्टर डिनर लेना है आपको ये ग्रीन टी, तो इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। तीसरा है आपको क्या करना है, क्योंकि हम इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, इतने ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं बेबी की केयर करने में कि हम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, तो आपको क्या करना है, तीसरा जो टिप है वो आपको करना है मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन आपको करना है, आपको 10 मिनट सुबह करना है और 10 मिनट रात में करना है। कैसे करना है, जैसे आपका बेबी सुबह जितने बजे भी उठता है उससे 10 मिनट पहले आप उठ जाओ, ऑब्वियसली आप उठते ही होगे उससे पहले, तो उससे पहले 10 मिनट आपको अपने लिए निकालने हैं और उसमें मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने से होगा क्या, आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, आपका दिन अच्छा जाएगा, और सोने से पहले अगर आप मेडिटेशन करोगे तो आप इतने रिलैक्स हो जाओगे, आपको नींद भी अच्छे से आएगी। और आप सबको पता है कि जब हम सोते हैं तो हमारी कितनी कैलोरीज बर्न होती हैं, तो ये तीन चीज़ें आप 100% करके देखो, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और इसमें कोई भी टाइम नहीं लगना है, बहुत ज़्यादा आपको इसमें अपना टाइम भी नहीं देना है, क्योंकि बच्चे के साथ हम सब इतना बिजी होते हैं कि हम नहीं दे पाते हैं टाइम। और प्लस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, पहला कि आपको बहुत सारा पानी पीना है, जितना पानी आप पी सकते हो। वाटर तो ओवरऑल आपकी बॉडी में किसी भी बीमारी को नहीं आने देगा, वेट लूज़ करेगा, अगर ब्रेस्ट फीड कराते हो तो ब्रेस्ट मिल्क भी इंक्रीज़ करेगा, तो आपको बहुत पानी पीना है। दूसरा, आपको ऑयली और बाहर का जंक फूड थोड़ा सा अवॉइड करना है, थोड़ा सा हेल्दी खाना है जिससे आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहे, तो हेल्दी खाना है। तीसरा मैं कहूँगी कि अगर आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराते हो तो बहुत अच्छा है, अगर 6 मंथ के बाद कराते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 6 मंथ बाद ही जो होता है हमारा फैट रिलीज होता है बॉडी से। तो कुछ मदर्स होती हैं, कुछ की मजबूरी होती है, उन्हें वर्क पे लौटना होता है या बहुत कुछ रीजंस होते हैं, लेकिन जो मदर्स करा सकती हैं वो आप बेबी को फीड कराएं 1-1.5 साल तक, उससे आपकी बॉडी को भी बहुत फ़ायदा है, प्लस बेबी को भी बहुत फ़ायदा है। तो ये आपको एडिशनल ध्यान रखना है, और अपने बॉडी को रिलैक्स रखना है, थोड़ा सा वॉक करना है अगर आप कर सकते हो। अगर आप वॉक नहीं कर सकते हो तो आप अपनी बेबी के साथ डांस करो, उसके साथ ऐसी एक्टिविटी करो जिसमें आपकी कैलोरीज बर्न हो। ये ऐसे मैंने आपको नुस्खे बताए हैं, ऐसी ट्रिक्स बताई हैं जो आप अपने बेबी के साथ भी रहकर कर सकते हो, तो क्योंकि बेबी के साथ रह के हमें इतना टाइम नहीं मिलता, तो आप इन तीन चीज़ों को ज़रूर ट्राई करो, ये 100% अफेक्ट करेंगी और आपका वेट लूज़ होगा। सो ये था मेरा टिप्स एंड ट्रिक्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा मेरे नए वीडियो के अपडेट्स के लिए। थैंक यू, बाय बाय।